हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिन टांक, आपका मैथमेटिक्स टीचर, हमारे ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे हम क्या मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमारे पास इस साल हमको पढ़ने 3 बुक, एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट बुक है हमारा, सेकंड बुक है हमारा कैलकुलस, थर्ड बुक है हमारा वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। तो उसमें से फर्स्ट बुक और सेकंड बुक मैं पढ़ाऊंगा, एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस। तो आज हम फर्स्ट बुक के बारे में, हम फर्स्ट बुक का एक टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट बुक में फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक। तो हमारा आज फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक है हमारा, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हमको क्या करना है, आज हमको पढ़ना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है? तो हमको क्या करना है, कोई भी हमारा मैट्रिक्स गिवन रहेगा ए, उसका हमको फाइंड करना है क्या, ए इनवर्स, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ठीक है, हमको गिवन क्वेश्चन है ये हमारा कि विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, वेयर ए इज इक्वल टू, आपको एक गिवन है, ठीक है? तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सिंस ए इज इक्वल टू आई डॉट ए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, आपको सेम ही मैट्रिक्स हमेशा मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ से आता है, ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2, -2 -1 3 0 0 -2 1 इज इक्वल टू आई। अब आई कैसे चूज़ करेंगे, आई कैसे चूज़ करेंगे, जो भी गिवन हमारा मैट्रिक्स रहेगा उस कौन से क्रॉस का है देखेंगे, 3x3 का है। तो हम क्या करते हैं, हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हम क्या लेते हैं, 3x3 का लेते हैं इनटू ए। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पर एलिमेंट्री और ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, और क्या करेंगे, रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे। रो ऑपरेशन में क्या करना है, हमको फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 करना है, ये तो ऑलरेडी हमारा 1 है तो इसको 1 करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके नीचे के सेकेंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, 0 करते जाएंगे। तो इस -1 को क्या करेंगे, 0। तो क्या करते हैं, आर टू इज इक्वल टू आर टू प्लस आर वन, क्या हो जाएगा, 1 2 -2 0, 3 प्लस 2 5, 0 -2 -2 0 -2 माइनस, ये तो वैसे ही रहेंगे -2, क्योंकि हमको R3 में कोई भी ऑपरेशन यूज़ नहीं करना, तो जैसे एज इट इज़ रहेगा 1 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 0 0 1 डॉट ए, ठीक है? अब हमको क्या करना है, सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट को हमको क्या करना है, 1 करना है। तो इस 1 कैसे करेंगे, आर टू इज इक्वल टू आर टू प्लस 2R3। मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये -4 हो जाएगा, -4 प्लस 5 करने से क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो गया 1 2 -2 0 1 -2 +2, ये हो गया हमारा 0 0 -2 1। सेम हमको यहाँ पर भी यूज़ करना है, तो हम करते हैं 1 0 0, हमको यहाँ पर ऑपरेशन यूज़ करना है। यहाँ हमको क्या करना है, R2 में +2 इंटू R3 करना है। तो 1 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 2, 0 0 1, ठीक है? यहाँ तक आ गया। अब इस, ये तो हमारा ऑलरेडी 1 हो गया, अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट, इसको हमको क्या करना है, 0 करना है। तो इसको हम कैसे 0 करते हैं, देखें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 2 में, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर माइनस कर देंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड, इसमें 2 2 में 2 को मल्टीप्लाई करके इसके साथ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मीन्स R1 इज इक्वल टू R1 -2R2, और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस, माइनस नहीं, +2R2, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा 1
टू माइनस टू जीरो, माइनस टू प्लस माइनस टू माइनस जीरो, मतलब माइनस टू ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा जीरो वन जीरो, ये जीरो, ये हो गया जीरो, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वन, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। अब आर टू मतलब अब वन माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस वन, जीरो माइनस टू माइनस टू, जीरो माइनस फोर माइनस फोर, यहाँ हो जाएगा वन वन टू, ये हो जाएगा जीरो प्लस टू, जीरो प्लस टू कितना हो जाएगा ये टू, जीरो प्लस टू टू, ठीक है, फिर ये हो जाएगा जीरो प्लस टू टू, वन प्लस फोर, वन प्लस फोर हो जाएगा कितना फाइव, ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं, अब हमको यहाँ वन करना था तो ये ऑलरेडी वन है तो इसको वन करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमको क्या करना है, इस माइनस टू को क्या करना है, ज़ीरो करना, तो इस माइनस टू को ज़ीरो करने के लिए क्या करेंगे, आर वन इज इक्वल टू आर वन प्लस टू आर थ्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, वन ज़ीरो 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 वन, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज। अब यहाँ पर ऑपरेशन यूज़ कर लेते हैं, क्या करना है, माइनस वन प्लस फोर कितना हो गया थ्री, माइनस टू प्लस फोर कितना हो गया टू, माइनस फोर प्लस टेन कितना हो जाएगा सिक्स, अब ये हो जाएगा वन वन टू, ये हो गया टू टू फाइव डॉट ए, ठीक है। अब ये पूरा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया आई, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये हो गया थ्री टू सिक्स वन वन टू 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 फाइव, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमको क्या मिलेगा, वही वैल्यू मिलेगा, तो मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू थ्री टू सिक्स वन वन टू 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 फाइव, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हमको हमका आंसर भी चेक करना है कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो हम कैसे चेक करेंगे, हम जहाँ से लिए थे स्टार्ट किए थे, कहाँ से स्टार्ट किए थे, सिंस ए इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था आई डॉट ए, तो यहीं से हम आंसर हमको क्या करते हैं चेक करते हैं, कैसे, ए ये वाला ए जो है हमारा राइट हैंड साइड वाला ए, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, ए इनवर्स में इंटू आई, मतलब ए डॉट ए इनवर्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। हमारे पास ए गिवन था, हमने ए इनवर्स निकाला है, इसको वैल्यू को रखते हैं और सॉल्व करके देखते हैं, अगर ये वैल्यू कितना आ गया आई के बराबर आ गया तो हमारा आंसर क्या है राइट है। तो ए हमारा क्या था, ये हमारा था वन टू माइनस टू माइनस वन थ्री ज़ीरो ज़ीरो माइनस टू वन, ठीक, और हमने ए इनवर्स निकाला, ए इनवर्स हमने क्या निकाला है थ्री टू सिक्स वन वन टू 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 फाइव। अब हम क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर इसका मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा चेंज होके किस में आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ जाता है, तो हमारा आंसर जो है वो क्या है राइट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, तो वन इंटू थ्री थ्री, टू इंटू वन टू, माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, ठीक है, फिर वन इंटू टू टू, वन इंटू वन टू इंटू वन टू, माइनस टू इंटू माइनस टू, माइनस टू इंटू प्लस टू माइनस फोर, माइनस प्लस वन इंटू सिक्स सिक्स, प्लस टू इंटू प्लस टू फोर, माइनस टू इंटू प्लस फाइव कितना हो गया माइनस टेन, माइनस का टेन, फिर यह आ जाएगा माइनस, क्या करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा थ्री प्लस ज़ीरो माइनस टू प्लस थ्री प्लस ज़ीरो, फिर ये हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस ज़ीरो, फिर यहाँ से आ जाएगा ज़ीरो माइनस टू प्लस टू, ज़ीरो माइनस टू प्लस टू, फिर आ जाएगा ज़ीरो माइनस फोर प्लस फाइव। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, ये हमारा सॉल्व करने पर ये क्या आ जाएगा, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो हमारा जो गिवन आंसर था वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, थ्री प्लस टू कितना हो गया फाइव, फाइव माइनस फोर, टू प्लस टू फोर, फोर माइनस फोर, फिर सिक्स प्लस फोर टेन, टेन माइनस टेन, थ्री माइनस थ्री ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, फिर माइनस टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा वन प्लस ज़ीरो, फिर माइनस सिक्स प्लस सिक्स ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो,
फिर ये हो जाएगा 0 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2, फिर यहाँ से आएगा माइनस 2 प्लस 2, और ये हो गया माइनस 4 प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0 0 1 0 0 0 1। मीन्स हमारा ये पूरा पूरा क्या आ गया, आई आ गया। मतलब ए डॉट ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, आई के बराबर आ गई। मतलब हमारा जो गिवन आंसर था, जो हमारा आंसर आया, वो हमारा क्या है, राइट है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, चेक करते हैं हमारे आंसर्स को, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप क्या करें, इस तरीके से चेक कर सकते हैं हम आपके आंसर को और राइट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू।